हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जेपी यूनिवर्सिटी छपरा बीए बीएससी बीकॉम नामांकन सेशन 2023-27। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो ऑनलाइन आवेदन किए थे उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। ऑलरेडी मैं इस पर 2 वीडियो बना चुका हूँ, कैसे मेरिट लिस्ट चेक करते हैं उस पर मैं फुल डिटेल्स के साथ वीडियो को बनाया हूं, तथा उसके बाद एक और वीडियो बनाया हूं जिसमें आपको बताया हूं कि आपको कितना फी देना होगा एडमिशन के लिए। उसके बाद भी बहुत सारे छात्रों का यहां पर कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। और यहां पर बहुत सारे छात्रों का एक कमेंट आ रहा है कि जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, पुराना होगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देंगे हम। छात्राओं को कितना रुपया लग रहा है, प्रैक्टिकल वाला विषय का ज़्यादा रुपया क्यों लग रहा है, सभी जानकारी मैं एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दिया जाता है सही और सटीक जानकारी दिया जाता है। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आपको कितना रुपया लगने वाला है जो भी छात्राएं हैं, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि गंगा सिंह कॉलेज छपरा के द्वारा एक नोटिफिकेशन को जारी किया गया है 25/7/2023 को। नीचे में आएंगे तो यहां पर आप सभी देख पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ गंगा सिंह कॉलेज, यहां पर आपको सिग्नेचर दिख जाएगा। यहां पर सबसे पहले आपको क्या कुछ देखना है यहाँ पर देख लें। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे इंटरमीडिएट का अंक पत्र की छायाप्रति लाएगा, प्रवेश पत्र की छायाप्रति लाएगा, इंटरमीडिएट मूल प्रवजन प्रमाण पत्र लाएगा, इंटरमीडिएट का सीएलसी का मूल प्रति लाएगा, एससी एसटी छात्रों को जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति देना होगा, स्वर्ण जाति को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की छायाकॉपी देना होगा। अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति आप सभी को देना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे फी डिटेल्स। फी डिटेल्स में आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो स्टूडेंट बीएससी के होंगे उनको 2855 रुपये प्लस 600 रुपये पंजीयन शुल्क, टोटल जोड़ा जाए तो 3455 रुपये हो रहा है, जो कि जो भी बीएससी के स्टूडेंट होंगे उनको देना है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं बीए, बीए में यहां पर आप सभी देख सकते हैं उसमें भी बहुत सारा सब्जेक्ट है जो कि आपको यहां पर दिया गया है। बीए में यहां पर देख सकते हैं 2255 रुपये नामांकन शुल्क प्लस 600 पंजीयन शुल्क, टोटल जोड़ा जाए तो 2855 रुपये। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बीए में ही मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, यहाँ पर देख सकते हैं 2855 रुपये प्लस 600 रुपये यानी कि टोटल जोड़ा जाए तो 3455 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ पर आखिर क्यों इनसे ज़्यादा लिया जा रहा है उसको भी मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एससी एवं एसटी वर्ग के छात्राओं के लिए मात्र 25 रुपये नामांकन शुल्क प्लस 600 रुपये पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन चार्ज जोड़ करके टोटल 625 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पर छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी बात बताई गई है तथा फी में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होगा तो चल जाएगा। देखिए फ्रेंड, जाति प्रमाण पत्र का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुराना हो, जैसे कि मान लीजिए कि 3-4 साल पुराना हो, तब आप लोग नया अपडेट जरूर कर लें। देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास 1-2 साल का होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जाति आपका एक्सपायर नहीं होता है, केवल आपका इनकम सर्टिफिकेट ही एक्सपायर होता है, जाति आपका एक्सपायर नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा पुराना हो जाता है जब आपका जाति, तो कॉलेज वाले थोड़ा परेशान आपको करते हैं। अगर आपको पूरा अगर आपके पास
पुराना ही है तो आप उनको लेकर के जाएं, आपके पास समय नहीं है कि अब आप इतना जल्द बनवा सके। फ्रेंड उम्मीद है कि आप सभी का उसी पर काम हो जाएगा, उसी पर आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आया है उन लोगों का 28/7/2023 तक ही नामांकन होगा, उसके बाद उनका जो मेरिट लिस्ट है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट में उनका नेम फिर से नहीं आएगा। तो फ्रेंड इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि आपका कितना रुपया लग रहा है नामांकन के लिए। छात्राओं को यहाँ पर मात्र 2500 रुपया प्लस 600 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है। फ्रेंड यहाँ पर एक और बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और कुछ अपडेट किया गया है, यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं एक और कॉलेज का मेरे पास नोटिफिकेशन है, गोपेश्वर कॉलेज हथुआ गोपालगंज का है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। इसमें बताया गया है नामांकन शुल्क में आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी प्लस ज्योग्राफी इनका जो फी है 2955 रुपये दिया गया है तथा बीए का मात्र 2355 रुपये दिया गया है। यहाँ पर फिर एक और बात आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है जो भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है उसका अलग से चार्ज लग रहा है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा बीएससी में आपका जैसे मान लीजिए जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सभी में आपका प्रैक्टिकल होता है इसलिए इनका चार्ज ज़्यादा है। तथा आर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि ज्योग्राफी का चार्ज अधिक है। तथा उसके बाद में दूसरे नोटिफिकेशन में आपको दिखाया था कि साइकोलॉजी में भी प्रैक्टिकल होता है, ज्योग्राफी में भी प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरह से जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा उनका एडमिशन चार्ज ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लग रहा है चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। फ्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन को जारी किया गया था 24/7/2023 को, इसमें साफ साफ यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि प्रायोगिक विषय हेतु शुल्क 2855 रुपये तथा बिना प्रायोगिक विषय हेतु शुल्क 2255 रुपये लग रहा है, जो कि यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उनका 600 रुपया अधिक लग रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से आप सभी समझ सकते हैं और अपना नामांकन 28/7/2023 से पहले हर हाल में करा ले, नहीं तो आपका मेरिट लिस्ट एक्सपायर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।